हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में लीजेंथिस प्लांट लेकर के आई हूँ। इसके बारे में आपसे बात करूँगी। इसे हम प्रेयरी या टेक्सस ब्लू बेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक एनुअल प्लांट है और इसको अगर आप दिसंबर या जनवरी में लगाएं तो ये मई में भी फ्लावरिंग करता है। और एक एनुअल प्लांट है और इसकी जो नेटिव लैंड है वो मैक्सिको या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। अभी ये जो फ्लावर हैं ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए इसके फ्लावर्स बिल्कुल जैसे ट्यूलिप होता है या रोज़ होता है। रोज़ से भी हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि इसके फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल रोज़ की तरह लगते हैं, बट ये ना तो ट्यूलिप है और ना ही रोज़ है, ये आपका जो है लीजेंथिस फ्लावर है। ये फ्लावर आपका तीन चार कलर्स में मिलता है। एक तो देखिए, दो कलर्स तो इसके मेरे पास हैं, एक वाइट और एक पर्पल कलर, और ये इसके अलावा पिंक कलर में भी आता है। इसकी हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नीचे से लेके ऊपर तक 40 इंचेस तक लॉन्ग हो जाता है। और ये सिंगल पेटल में भी आता है और डबल पेटल में भी आता है। सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि इसकी जो बड्स हैं वो भी बहुत अधिक अट्रैक्टिव होती हैं। देखिए इसमें एक ये बड पीछे लगी हुई है। तो ये ज़्यादातर जो है बुकेज में या फ्लावर अरेंजमेंट के यूज़ में लाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी ये सुंदर ग्रीन तिकोनी लीव्स जो हैं ये पॉलिनेटर्स को, बीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो हैं डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। तो इतना सुंदर फ्लावर अभी इंडिया में उतना अधिक नहीं है जितना कि ये फॉरेन कंट्रीज़ में पाया जाता है, पर नए फूलों की जानकारी हासिल करना बहुत ही अच्छा होता है। अब अगर मैं इसके आपको सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो ये प्लांट जो है ये फुल सनलाइट को पसंद करता है। इसे शेडी एरियाज़ पसंद नहीं हैं, परंतु यदि आपके घर में आप इसे किसी शेडी एरिया में रखते हैं तो इसका जो आप इसको आप साउथ वेस्ट या वेस्टर्न आप दिशा में इसको आप प्लेस करें जहाँ की सूरज जो है लौटता हुआ आए तो उसकी गर्मी तेज़ ना हो। इसके सॉइल मिक्सचर की बात अगर हम करें तो सॉइल मिक्सचर इसका जो बनाएं वेल ड्रेन्ड बनाएं। छोटे छोटे पॉट्स में ये जो है हमें नर्सरी से मिल जाता है और उसके बाद बड़े पॉट्स में हम लोग जो है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके सॉइल मिक्सचर के लिए जो है वो मैंने आपका जो है 50% सैंड ली है, 40% गार्डन सॉइल और 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर मिला के इसकी पॉटिंग की है। वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर इस प्लांट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर्स को बहुत अधिक पसंद करता है। अब अगर हम इसके वाटर की बात करें तो इसको टू मच वाटर अगर आप देंगे तो इसमें बहुत जल्दी इसकी रूट्स में फंगस डेवलप हो जाती है और ये आपका जो प्लांट है ये ख़राब हो जाता है। फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है और इसके साथ ही जो है वो इसमें जो है आपका ये आपका जो है ये एसिटिक सॉइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इसको जो है हमको इसकी सॉइल को एल्कलाइन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा एक वाइट स्टोन चूने की तरह आता है या आप चूने का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसकी सॉइल एल्कलाइन रहे तो इसे वो अच्छी लगती है। वाटर इसको अगर आप कम देंगे तो भी ये इसकी पत्तियां सूख जाएंगी, नीचे गिरेगा, तो बस इतना वाटर दीजिए कि मॉइस्ट रहे तो ये अपने आप फ्लावरिंग करता रहता है। जब इसके फ्लावर्स ब्लूम कर जाएं तो आप ऊपर से इसके फ्लावर्स की कटिंग कर दीजिए।
और तो नीचे से और कलियां आपकी निकल आएंगी। रीपॉटिंग के लिए एक बड़ा गमला लीजिए, जिसमें कि जो कि वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें नीचे से पानी पूरा निकल जाए, पानी इसमें स्टे ना करे। और जो मैंने सॉइल मिक्सचर बताया है उस सॉइल मिक्सचर में इस प्लांट को आप रीपॉट कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम इसके मैन्योर की आप सोचें कि बात करें, तो मैन्योर में इसको आप ऑर्गेनिक मैन्योर दीजिए, पोटाश दीजिए। पोटाश के लिए आजकल जैसे गर्मियां हो रही हैं, तो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र सुखा के, बनाना पील को उसका जो आपका वो निकलता है बुरादा टाइप का, वो आप इसमें ब्लैक कलर का डाल सकते हैं। उससे इसमें इसको पोटाश और फास्फोरस से युक्त खादें हमें देनी है। साथ ही साथ इसको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन में आप गोबर की खाद को आजकल उसका भिगो के एक दो दिन तब उसका पानी जो है इसमें डालिए। ये बहुत अच्छा पौधा चलता रहता है, देखने में बहुत अधिक सुंदर है। मैंने भी इस पौधे को अपने गार्डन में आज पहली बार लगाया है। मैं देखूंगी कि अगर ये प्लांट सक्सेस होता है तो इसके और डिटेल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी और भी चीज़ें लगाऊंगी। सीड्स से ग्रो होने में ये बहुत दिक्कत करता है, सीड्स इसके बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, और जो गार्डनर्स होते हैं, बड़े बड़े माली होते हैं, वो ज़्यादातर ग्रीन हाउसेज में इसे सीड्स से ग्रो करते हैं। हम लोग अगर इसके सीड्स छोटे छोटे येलो येलो होते हैं दिसंबर में डालें, तो इसके पौधे हमें 3-4 महीने बाद जो है वो दिखाई देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देते। उसमें ये फस क्रिएट करता है, सीड से कमी ग्रो होता है। आप अगर ये देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी हो रही है हम लोग के रीजन्स में, तो इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे इसकी जड़ें जो हैं वो सुरक्षित बनी रहें। तो अगर मुझे इस प्लांट के को ग्रो करने में इसकी जानकारी और जितनी ज़्यादा हासिल होगी, मैं वीडियोस में आपको बताऊंगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, और इसको जो है लगाना हमारे गार्डन में, जो गार्डन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लगाना, उनके गार्डन्स के लिए ये बहुत लीजेंथिस प्लांट जो है बहुत अच्छा है। तो आप भी डिफरेंट कलर में ला करके इसके पौधे नर्सरीज पे उपलब्ध हैं, इसे लगा सकते हैं और अपने गार्डन की रौनक को बढ़ा सकते हैं। आशा है लीजेंथिस का ये प्लांट, जिसे कि हम टैक्सिस ब्लू बेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पसंद आया होगा, एक नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।